नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं Redmi का 5 मॉडल यानी Redmi 5। तो दोस्तों ये है वो मोबाइल जिसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें जो बैटरी थी वो स्टोर नहीं हो रही थी, यानी कि बैटरी इसमें दिखा रहा था लेकिन आगे बढ़ नहीं रही थी परसेंटेज। तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कैसे आप हमारे तरीके से आप बनाएंगे तो इसमें 100% सक्सेस हो जाएंगे। और ये देखिए इसमें बैटरी का परसेंटेज 58% बैटरी थी, अब देख लीजिए ये बैटरी कितनी हो गई है 67%। तो दोस्तों ये वीडियो फेक वीडियो नहीं, आपका सोल्यूशन 100% हो जाएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने मोबाइल को खोल लिया है और ये हमने चार्जिंग कनेक्टर लगा लिया है और ये देखिए हम आपको दिखाई दे रहे हैं इसकी चार्जिंग आईसी, जिसको हमने रिप्लेस कर दिया यानी कि इसको रिबॉलिंग करके एक बार चेक कर लिया, लेकिन फिर भी हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ। इसमें से आउटपुट बैटरी में 0.59 वोल्ट आ रहा था, तो इसमें से बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, खाली बैटरी का सिंबल दिखा रहा था चार्जिंग का। तो इसके लिए हमने इसमें कोड जीनर डायोड को पैरेलल में यूज किया, लेकिन फिर भी चार्जिंग हो रही थी इसमें, लेकिन ये ज़्यादा हीट हो जा रहा था तो इसलिए हमने दो यूज किया और बहुत देर में चढ़ रही थी इसके ज़रिए से चार्जिंग, तो हमने दूसरा एक जुगाड़ लगाया। तो ये देख सकते हैं ये है LED बल्ब का बोर्ड अंदर का, तो ये अक्सर बेकार हो जाता है, तो इसको यूज में लेंगे। इसमें जो देख सकते हैं ये रेक्टिफायर, इसको हम निकाल लेंगे बाहर। मैं आपको दूसरा दिखाई दे रहा हूँ और जूम करके ये देखिए, थोड़ा जूम करके आपको इसको समझाए दे रहा हूँ जिससे कि आपका सोल्यूशन क्लियर हो जाए। तो ये देखिए इसमें दो, एक तरफ तो AC लाइन होती है और एक तरफ DC, तो AC की ओर हम ये दोनों में से किसी एक में अपनी वो चार्जिंग कनेक्टर का प्लस वायर इसमें जोड़ देंगे और इसके दूसरी ओर जो आपको प्लस माइनस दिख रहा है तो ये वाली में हम आउटपुट हमारा निकलेगा 4.5 के समथिंग वोल्ट, और इसमें से हम इसको ले जाके बैटरी में जोड़ेंगे और ये वाली माइनस वाली को हम हटा देंगे, ये हमारी कोई काम की नहीं है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं मोबाइल में मैंने जैसा जोड़ रखा है, सेम टू सेम आप वैसा ही जोड़ लेना जिससे कि आपका सोल्यूशन हो जाए। तो आइए मैं मोबाइल को पूरा एक एक पार्ट जैसे मैंने जोड़ा है उस तरीके से आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पास हमारा चार्जिंग कनेक्टर का 5 वोल्ट आ रहा था, तो यहाँ एक कैपेसिटर लगा था जिस तरफ 5 वोल्ट था उधर हमने जोड़ दिया है एक जम्फर, और ये जम्फर को ले जा करके हमने ये यहाँ ये देख सकते हैं जिधर AC लाइन हमारी जुड़ी थी तो उसमें से किसी एक में हमने जोड़ दिया, ये देख सकते हैं आपके सामने। और जो प्लस वाला था, आपको प्लस नज़र भी आ रहा होगा, जो प्लस वाला था उसको बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव लेग में जोड़ दिया है जिससे कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। दोस्तों आपके लिए मैंने एकदम ओरिजिनल वीडियो बनाया है, कोई फेक वीडियो नहीं है। और दोस्तों अगर ये वीडियो से आपका मोबाइल का सोल्यूशन हो जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो मैं आपको इसकी चार्जिंग भी दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों इससे पहले आपको एक बार बैटरी कनेक्टर भी चेंज कर लेना चाहिए जिससे कि बैटरी कनेक्टर से भी कुछ परसेंट तक प्रॉब्लम हो सकती थी। तो बैटरी तो दिखा रहा है MI लोगो, तो आइए हम इसका आप देख लेते हैं। मैं इसकी आपको चार्जिंग कितना परसेंट इसमें चार्जिंग है, पहले तो मैंने देखा था 58% इसमें चार्जिंग थी बिना बनाए मेरा ये सोल्यूशन, और जब मैंने बनाया तो काफ़ी देर तक मैंने इसको छोड़ दिया था चार्जिंग के लिए, तो ये हमारा 67% हो गया। तो इतना को कंफर्म यानी कि आइडिया हो गया है कि ये बैटरी चार्ज कर देगा, लेकिन बैटरी को ज़्यादा देर तक मत लगाना फुल होने के बाद। तो फिर मिलते हैं, बाय।